ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, यदि कोई व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाता है, एकादशी व्रत का पालन कैसे करना चाहिए? निर्जला रहकर, निर्जला न रह सको तो सजला रहकर, सजला न रहो तो सफला, और सफला न रहो तो कोई बात नहीं, अन्न नहीं खाना चाहिए, फराल रहकर एकादशी करनी चाहिए। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण 18 पुराणों में से एक, मैं प्रमाण दे रहा हूं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, श्लोक लिखा है, स केवलम अगम भुंगते यो भुक्ते हरिवासरे। हरिवासर का अर्थ है एकादशी। एकादशी के दिन जो व्यक्ति अन्न खाता है वह अन्न नहीं, वह पाप खाता है, वो पाप खाने के बराबर है। शास्त्र है, आप कभी ब्रह्म वैवर्त पुराण खोलकर देखिए, ये हमारे मन और हमारे बुद्धि की बात नहीं है, ये शास्त्र की बात है। यदि समझ में आ गया तो जीवन का उद्धार, और नहीं समझ में आया तो जैसे थे वैसे। स्कंद पुराण में तो यहां तक लिखा है भक्तों, मातृहा पितृहा भ्रातृहा गुरुहा, अपनी माँ, अपने पिता, अपने भाई और अपने गुरु, ये चारों को मारकर जितना पाप लगता है उतना ही पाप एकादशी के दिन अन्न खाने से लगता है। क्योंकि एकादशी के दिन अन्न में आसुरी शक्ति का वास होता है, मूर नाम के असुर का वास, हम आपको कल सुनाएंगे। अतः एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। कई बार हम लोग गर्व करते हैं, वी आर वेजिटेरियन, हम लोग शाकाहारी हैं, और ये लोग कितने दुष्ट हैं जो गाय को मारते हैं, गाय को काटते हैं। भक्तों, गरुड़ पुराण में वेदव्यास मुनि लिखते हैं, गरुड़ पुराण, भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को सुनाया, ये प्रमाण दे रहा हूं, गरुड़ पुराण में लिखा है, एकादशी के दिन यदि कोई अन्न खाता है तो उसे कितना पाप लगता है? गाय का मांस खाने पर जितना पाप लगता है उतना ही पाप एकादशी के दिन अन्न खाने से लगता है, गरुड़ पुराण में लिखा है। आप कहोगे गरुड़ पुराण तो हमने पढ़ा, पढ़ाने वाले ने हमको नहीं बताया, पढ़ाने वाला एकादशी नहीं रहता इसलिए नहीं बताता है, यहां तो हम स्वयं रहते हैं, आचरण करते हैं और फिर बोलते हैं, ये शास्त्र में लिखा है। ऐसे में सैकड़ों प्रमाण लेकर बैठा हूं, एकादशी के दिन अन्न नहीं। भगवान ने भी मांगा है कि यत करोषि यत अश्नासी यत जुहोसी ददासी यत तपस्यासी कौन्तेय तत् पुरुष्य मद अर्पणम। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम मेरे लिए एकादशी व्रत का पालन करो। तो भक्तों, आप सब लोग समझदार हो, और समझदार को इशारा काफी है, मैंने तो बहुत कुछ बोल दिया है। एकादशी व्रत सबसे बड़ा व्रत है, सभी व्रतों का राजा है। यदि आप एकादशी व्रत रहते हो, अन्य कोई व्रत रहने की जरूरत नहीं।